हाय व्यूअर्स, मैं जया। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि आप सीए करेंगे, सीएमए करेंगे या सीएस करेंगे। तो आज आपको मैं तीनों की डिफरेंस बताऊंगी। करियर शुरू करने से पहले आपको तीनों की डिफरेंस पता होनी चाहिए कि आपको आखिर करना क्या है, आपकी टेस्ट किस में ज़्यादा है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप पास होने के बाद अगर चाहते हैं कि सीएस, सीएमए एंड सीए करें, तो आपको ये डिफरेंस पता होनी चाहिए। पहली बात कि आपको जॉब करना है या फॉर्म खोलना है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है आखिर। तो मैं आपको आज डिफरेंस बताऊंगी ताकि आपको करियर चूज करने में आसानी हो। सबसे पहली बात, तो अगर सीए करने के बाद आप फॉर्म खोलना चाहते हैं तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। सीएमए करने के बाद आप कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं एंड सीएस करने के बाद आप सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकते हैं। तो ये तो मेजर डिफरेंस हो गया आपकी करियर गाइडलाइंस की। अगर आप फॉर्म नहीं खोलना चाहते, एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो तीनों ही फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। उसमें से सीए जो होता है वो फाइनेंशियली ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, सीएमए कॉस्टिंग बैकग्राउंड से ज़्यादा एक्सपर्ट होता है एंड सीएस लॉ बैकग्राउंड से ज़्यादा एक्सपर्टाइज होता है। तो आप काम तो सभी एक दूसरे का कर सकते हैं एम्प्लॉय बनके, लेकिन सारे की अलग अलग एक्सपर्टाइज होती है। दूसरी बात, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी करते हैं तो आपके लिए एक की मैनेजरियल पोस्ट खाली रहता है जो हमारी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग है। कोई भी कंपनी उस टर्नओवर एंड नेटवर्थ को फुलफिल करती है तो आप डायरेक्टली उस कंपनी का की मेंबर बन जाते हैं या टॉप मैनेजमेंट में शामिल हो जाते हैं। और कंपनी सेक्रेटरी का यही एक डिफरेंट है बाकी तीनों से। फर्म का जो डिफरेंशियल है, फर्म अगर आप फर्म खोलना चाहेंगे तो स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट सीए कर सकते हैं, सीएमए एंड सीएस नहीं कर सकते। अगर आप सीएमए का फॉर्म खोल रहे हैं तो आप सिर्फ कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, जो कि सीए और सीएस कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। और जो सीएस हैं वो सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकते हैं, बाकी सीएमए और सीए सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं कर सकते। ये आपकी मेजर डिफरेंस है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपके टेस्ट के हिसाब से कौन सा करियर आप में आपको बेस्ट लगता है, आप कौन से करियर में आप सूट करते हैं, वो आप आपके हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।